यहाँ देखते हैं, प्रूव दैट रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। देखो भाई, ये बोल रहा है कि हमें प्रूव करके दिखाओ, साबित करके दिखाओ कि मैं इरेशनल हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे चलो भाई तुम्हारे विरोध लेते हैं, और फिर उसको हम क्या करेंगे, रॉन्ग कर देंगे, गलत साबित कर देंगे। मतलब इसको कुछ पल के लिए मानते हैं, चलो भाई तुम्हें खुश कर देते, तुमको रेशनल मान लो। हाँ भाई चलो, लेकिन कहेगा कि अगर तुमको रेशनल मानेंगे तभी, अगर तुम रेशनल के सारे कंडीशन को फुलफिल करते हो तभी कहेंगे कि हाँ रेशनल हो, और नहीं तो फिर गलत साबित कर देंगे कि हाँ तू इरेशनल है। भले अपना पूंछ रंगवा के तुम इरेशनल से रेशनल हो गया, लेकिन फिर जैसे ही रंग झड़ गया तुम क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो वहीं चलते हैं, मान लेते क्या एज्यूम करेंगे। तो चलिए लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी, मतलब इसके विपरीत, टू द कंट्रेरी, ठीक है। कंट्रेरी रूट फाइव इज अ रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर। बोले ठीक है भाई तू रेशनल नंबर है तो सारे कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अरे भाई हाँ हाँ, देखो ना बाद में भले गलत साबित कर देंगे बात है। चलिए कर देंगे, तो रूट फाइव जो क्या है, अगर रेशनल है तो इसका मतलब है कि इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एडिशन कर सकते हैं, ए बाई बी के भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ भाई क्यों नहीं। तो लेट रिप्रेजेंट एन टू ए बाई बी, अच्छा ए बाई बी, जहां पे जो है ए एंड बी जो है क्या होनी चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है भाई कोई बात नहीं, और बी जो है जीरो नहीं होने चाहिए। रुको ना, इतने कंडीशन काफी थोड़े है कि अगर हम जो है, दूसरा जो कंडीशन कहता है कि अगर हम लोग ए एंड बी जो है आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो क्या करेंगे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो ए एंड बी का मस्ट हैव कॉमन फैक्टर, हैव एससीएफ वन। करें कि अगर जो है भाई ठीक है, हम लोग ए बी जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे तो हमारा जो एससीएफ जो है वन चाहिए। कह सकते हो कि इसकी दोनों को प्राइम होने चाहिए। बोला हाँ ठीक है, चलिए हम इस सारे कंडीशन फुलफिल करें, चलो भाई देख लेते हैं। तो अगर ए एंड बी का एससीएफ जो वन नहीं है, बैक तू लबड़ा है, तुमको तुम्हारा एससीएफ जो है वन नहीं आया, तुमको इरेशनल नहीं रहने देंगे। चलो ठीक है, चलो देखो अब रूट फाइव इजकल टू ए बाई बी, अगर ये भी रेशनल था ए बाई बी के फॉर्मूले में क्या कोई गलती है, नहीं है, तो इसको मान लेते इक्वेशन वन। तो अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है। तो रूट फाइव का स्क्वायर ये ए बाई बी का स्क्वायर, तो कितना हो गया, फाइव ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहां लिख लीजिए थोड़ा सा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है वो साइड्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फाइव बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर। अब देखिए भाई साहब, आप देखोगे कि फाइव बी स्क्वायर जो है ये फाइव का मल्टीपल है। अरे भाई फाइव का मल्टीपल है फाइव बी स्क्वायर, तो फाइव से डिविजिबल होगा। हाँ भाई क्यों नहीं। तो चलो यहां पर लिखते हैं कि भैया कि फाइव जो आपको डिवाइड कर देता है, कहता है अच्छा हाँ ये तो बात है सही, फाइव जो है हमें डिवाइड कर देता है। चलो भाई ठीक है, अगर फाइव बी स्क्वायर जो है ना, अगर ये फाइव डिविजिबल है तो ये भाई इसके इक्वल है, तो ए स्क्वायर भी क्या होगा, फाइव से डिविजिबल। हाँ भाई ये तो बात चलेगा, ये भी हमको भी डिवाइड कर देंगे। बोला लेकिन हमने एक कंसेप्ट पढ़े हैं कि अगर कोई प्राइम नंबर जो है किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो उस पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड करता है। हाँ भाई ये भी कंसेप्ट पढ़े हैं, तो चलिए ना पढ़े हैं, तो क्या दिक्कत ए को। इसका मतलब भैया कि अगर फाइव जो है ए को डिवाइड कर देता है तो इसका मतलब ये तो फैक्टर हुआ। हाँ भाई फैक्टर हुआ, तो चलो तो यहां पे लिखते हैं फैक्टर ऑफ ए इज फाइव, ठीक है मान लेते हैं। चलिए अब तो देख लिए कि ए भैया का जो फैक्टर है वो फाइव है, अब चलते हैं बी के लिए चेक कर लेते हैं। चलिए अब मान लेते हैं लेट इसके लिए क्या कर लेते हैं, लेट ए इजकल टू टी फाइव सी मान लेते हैं। देखिए फाइव सी करने का मतलब रूट फाइव, इसीलिए फाइव सी माने, कुछ भी मान सकते, लेकिन फाइव सी माने इसलिए ताकि प्रूव करने में इजी हो जाए, क्योंकि ये रूट फाइव है, ठीक है। ए इजकल टू फाइव सी, इसको टू मान लेते हैं। अब कहते हैं कि सुनो ना भाई, हम लोग जो इक्वेशन टू इसको वन में पुट कर देते हैं। चलो ठीक है, इक्वेशन वन का है रूट फाइव इक्वल टू ए बाई बी, एक जगह हमको पुट कर दो ना। हम लोग क्यों नहीं पुट करेंगे, रुको ना पहले लिख तो लेने दो। तो ए इक्वल टू कितना होगा, फाइव सी बाई बी।
अब जो प्रोसेस आपने उसमें किया था अब यहीं पे वही करिए। अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। अच्छा स्क्वायर कर दो तो ये 5c बाई बी का स्क्वायर हो गया। अच्छा यहाँ पे लिख देना पड़ेगा क्योंकि गलत ना हो जाऊं, कोई बच्चा समझने में उनको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 = 25c² / b². अब थोड़ा पेपर लेते हैं। ठीक है, तो 5 = जो है क्या होगा 25c² / b², यही ना है। ठीक है, अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5b² = 25c² 5 से देख रहे हैं ये भैया कट जाने वाले हैं, तो b² = 5c². अब देख रहे हैं 5c² जो है भैया 5 का मल्टीपल है, इसका मतलब जो है 5 जो है इस 5 2c² भैया को डिवाइड कर देंगे। बोले हाँ भाई अभी तो डिवाइड कर ही देंगे हमको। बोले हाँ भाई डिवाइड क्यों नहीं करेंगे 5c² करे कि हम डिवाइड होंगे तू काहे के लिए बचेगा, इसका मतलब b² भी डिवाइड है क्योंकि इसकी इक्वल है। हाँ भाई इक्वल है, 5 डिवाइड्स होता है b². देखो हमने पढ़े हैं, कंसेप्ट पढ़े हैं, अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करता है। हाँ भाई इसका मतलब b को भी डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे फिर जो है फैक्टर ऑफ जो 5 आ रहा है कितना आ रहा है, इज फैक्टर ऑफ बी नो जो हम 5 लिख रहे हैं, फैक्टर ऑफ बी जो है कितना आ रहा है 5 आ रहा है। भाई यहाँ फैक्टर बी के जो फैक्टर आ रहा है 5 आ जा रहा है, इसका मतलब जो है दोनों का फैक्टर 5 आ रहा है, मतलब दोनों की जो कॉमन फैक्टर कितना, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह सकते हो वो 5 आ रहा है। इसका मतलब एचसीएफ ऑफ जो है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी जो है 5 आ जा रहा है। हमने प्रूव किया था भाई तुम्हारा एचसीएफ जो 1 आना चाहिए, लेकिन इसकी एचसीएफ जो 5 आ गया, इसका मतलब है कि ये जो है रेशनल नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट। ये जो हमने फैक्ट जो माने थे उसको कंट्राडिक्ट करता है। फैक्ट क्या है, तो जो फैक्ट ये है ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1 कर। अच्छा ये बात है, तो कहेंगे तुम्हारा फैक्टर तो 5 आ गया, कॉमन फैक्टर तो 5 आ गया, इसका मतलब जो हमारा जो भी हमने अनुमान किए थे ज़ूम किए थे वो गलत है। तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, तो कह सकते हैं यहाँ पे हेंस रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो प्लीज भैया अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है ना तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है भाई, दिन भर रात भर इसी में लगा रहता हूँ। ठीक है, जॉब से जैसे छूटते हैं इसी में आपको हेल्प के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करता हूँ भाई, तो इसके लिए थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है भाई। ठीक है, थैंक यू माई फ्रेंड।